शंका प्रशंका। राजा हरिश्चंद काशी में बिकैलन तो डोम के हाथे ना बिकैलन। डोम के हाथे ना बिकैलन, ना बिकैलन। अच्छा, खाली रूप रहल डोम का, के करे हाथे बिकैलन बतावते हैं उजा मत। अब तरी हरिश्चंद से पहले को हम कहानी लेके चल, पहले तब न जो बा हरिश्चंद तक पहुंच है तर्क पर तर्क। हरिश्चंद, हरिश्चंद के बाद जे हरिश्चंद बन के आई वो है फिर जोन बा कभी द्वापर में आई वही का प्रताप कलयुग में भी दिखाई पड़ा। आज होई बड़ी अनूठी अनूठी का छोड़े के ना छोड़ा जी थर काकर बापार के ले चल बा उनके पार के ले चल बा घर हूँ। परिणाम मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है। भूमिका में भाव दिया गया है, सत्य की साधना से मिलल सिद्धियां। सत्य खर खर कर रहा हूं देखा, सत्य की वहां से शुरू हो रही है जब ब्रह्मा विष्णु शंकर सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे। नंगी होकर भोजन करा दो, सती अपने पति का चरण धोकर चरणोदक जब तीनों योगियों पर मारती है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बालक बन जाते हैं। भोजन बना करके बड़े प्रेम से
नंगा तन में उन तीनों को भोजन कराती हैं। संक्षिप्त में ही जान लें कि नारद जी के बताने पर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की पत्नियां आती हैं मृत्युलोक में सती अनुसुईया के पास, सारा भेद बताती हैं। माँ अनुसुईया पुनः पति का चरणोदक लेकर के जब तीनों पर छींटा मारती है तो बालक सहसली रूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं कि माँ कुछ वरदान मांग लो। कहने की का मांगी, अला लोगन परीक्षा ले हुए यहाँ आके फंस गईला लोगन, माँ का मांगी। कहन की फिर भी मांग लो। कहलिन की दूर दूर से अला लोग तू लोगन के बालक बना के आपन बेटा मान के आ तू लोगन के भोजन कैली, उबटन लगौली, सब कुछ कैली। तो हमारी ही इच्छा बा कि एक बार हमारे तन से तू लोग जन्म ला, हमार सगा बेटा बन के हमारे गर्भ से जन्म ला, ताकि असली माई और असली बेटा का संबंध जुड़े, हम तू लोगन के ममता देंगे। देव मस्तु कह के गईलन। वही कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि बन करके माँ अनुसुईया के गर्भ से जन्म लेते हैं। एक बात जान लें, हम बहुत जगह सुने हैं शादी विवाह में जब गोत्र उच्चारण की बात आती है तो यादव बिरादरी के लोग अपना गोत्र काश्यप बता देते हैं ना जानकारी में, जबकि यादव का गोत्र काश्यप हो ही नहीं सकता, अत्रि गोत्र। गोत्र हम लोगों का है अत्रि गोत्र। उसी अत्रि और अनसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा मुनि, चंद्रमा मुनि से हुए बुद्ध मुनि, बुद्ध मुनि से हुए पुरुरवा, पुरुरवा से हुए ययाति, ययाति से हुए यद्दू, जेके ठेठ में कह जला जद्दू, आ यद्दू से हुए ठीक ना, यद्दू से ही यदुवंशी यादुवंश की शुरुआत होती है। तो चंद्रमा मुनि चंद्रवंश कह जला यादव के, चंद्रमा मुनि के नाम पर चंद्रवंश। भगवान विष्णु दात्तात्रेय बनकर के माँ अनसुईया के गर्भ से जन्म लिए, जिनके जड़ से यह कीना राम बाबा वाला पंथ चलेला, समझ ला कि इहो यदुवंश के जड़ से। और तीसरे नंबर पर बाबा भोलेनाथ माँ अनसुईया के गर्भ में थे, 7 महीने की माँ अनसुईया गर्भवती थी। होता है क्या, एक लाइन को वाली लगत बा, या कौवाली के नमूना बा, लेकिन कर्मों में पर बात आ गई। राजा हरिश्चंद्र का कर्म उनके लिए बीतल, ठीक यह कर्म का बात बा का, कि कर्म से क्या हूं, कर्म से क्या हूं होला सुनामी। सुनामी लहर ना, सु माने सुंदर, नामी माने मशहूर, सुंदर नाम वाला मशहूर आदमी, बढ़िया कर्म पर बावा। तब कहना बा कि कर्म से क्यों होला Thank you.
धर्म नहीं भाई परोपकार केहू पर हित में जीवन केहू यही से कहानी आगे बढ़ गई। मुनियत्री जी जब किसी संत बन गए चलन के भाव में मुनियत्री जी जब किसी संत बन गए चलन के भाव में एक दिन आश्रम कर डोले करे अपमान पद छुपानी अपना या जैसे ना जब से इस सृष्टि रचल गई बा तब से अड़ोस पड़ोस में गांव में भी अगर केहू बगल वाला मनई विकास करत होके आगे बढ़त होके अड़ोस पड़ोस के आदमी जले लगे कैसे आगे बढ़त बा एकर पैर धके खींचा। अत्रि मुनि और सती अनसुईया के सतीत्व और भक्ति की चर्चा देवलोक में पहुंच चुकी थी। जलन होके लगल तीनों जनी के ब्रह्मा जी के औरत शिव जी का औरत आ भोलेनाथ का ये विष्णु जी का औरत वो लोगन के तो जलन अलगे बा देवतो जरेलन देवियो जरे आदमी के बात का कहल जाए। सहस्त्रा बाहु नाम का राजा जिनके राज्य में अत्रि मुनि और सती अनसुईया दोनों प्राणी अपना आश्रम स्थापित करके तपस्या कर रहे थे भक्ति भजन कर रहे थे। जलन होके लगल वो राजा के सहस्त्राबाहु के कि हरी देख हमरे राज्य में रहत हुवन दोनों हमरो से ज्यादा हमहू से ज्यादा ये दोनों का नाम बाकी देव लोक में चर्चा हुए लग। एक दिन देश की भावना लेकर के वह राजा सहस्त्राबाहु पहुंचा है कहा अत्रि मुनि के आश्रम पर। दोनों प्राणी को बदजुबान बोलना शुरू कर दिया अपमानित करने लगा तुम लोग ढोंगी हो जैसे उस सधुईया के तुम लोग ढोंगी हो ढोंग करते हो कुछ भी तुम लोगों के पास नहीं है झूठे चर्चा तुम लोगों की है। अच्छा तो अत्रि मुनि चुपचाप बैठल हो सब कुछ सुनत हो सती अनसुईया भी चुपचाप सुनत है लेकिन देव अंश कहा अब मानने वाला का बतौली ना कि 7 महीना का गर्भवती रहनी माई अनसुईया 7 महीना का शिवांश माने शिव जी का अंश दुर्वासा ऋषि के रूप में वही पेटे में बा। दुर्वासा ऋषि भी यदुकुल के ही थे। ये ग्रंथ की बात मैं कर रहा हूँ कल्प भेद की बात कर रहा हूँ और कल्प की परिभाषा 4 युग बराबर 1 चौकड़ी 4 चौकड़ी बराबर 1 मनवंतर माने 4 बेर ये चारों युग एक एक बेर गुजरी तो चौकड़ी कहा। 4 चौकड़ी बराबर 1 मनवंतर 4 बार सतयुग 4 बार त्रेता 4 बार द्वापर और 4 बार कलयुग 4 चौक 16 बार जब ये चारों युग गुजरी हन इतना समय पूरा हुई तो 1 मनवंतर कहाला। 1000 मनवंतर बराबर 1 कल्प होला यानी 16000 बार चारों युग जब गुजरी तब 1 कल्प के बराबर समय मान ली भाई पुराण का बात बा परशुराम निखन कह तब बतौली यही से कह गया कि वेद में भेद छुपल बा
एक ही राम, एक ही शिव, एक ही देव, एक ही देवी, लेकिन नाना प्रकार का ग्रंथ आप ग्रंथन में जन बाटे अंतर आ जाता। माई सती अनुसुईया बैठल है, सहस्त्रा बाहु राजा अपमानित कर रहल बा। उस सात महीना का शिव जी का अंश दुर्वासा के रूप में जौन माई अनुसुईया के गर्भ में बनी, बौखलाए लगलन कैलन हका लाल दुर्वासा, अरे लाल सतवासा, दुर्वासा उधर से कूद गई। ये चरज वाली बात आ गई ना, सतमासा लड़का माई के गर्भ से बहरे आ गई। लाल सतमासा दुर्वासा उधर से कूद गई, उधर से बाहर आ गई। उधर से बाहर या दुश्मन से जाके जूझ गई। माँ के गर्भ से शिवांश दुर्वासा निकला, वह बालक ललकार दिया कि मेरे माता पिता को अपमानित करने वाला दुष्ट, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक ई दृश्य देख के दहशत में हो गई वो राजा सहस्त्राबाहु, भाग चलन की जान बचा पा। आगे आगे सहस्त्राबाहु भागत बा जान बचाए बदे, पीछे से खेदले हुन सतमासा दुर्वासा। आ जब देखलन ई हालत त्रिमुनि तो आवाज देहलन, का आवाज देहलन, एक लाइन गीत लगता तनी बढ़ला। आई हो अपने जमाने का पुरानी गीत हो, कब्बो गौला पर पुराण ना समझ में आवत। जैसे एगो दुर्जन भैया गीत गौलन कि हमरे बलमुआ तो फुलवा का जोखल घटी है तक के करा से ले इलाहाबाद से मोहम्मद खलील जी वो गीत के गावे, गहमरी जी का रचना है, भोलेनाथ गहमरी का रचना है, मोहम्मद खलील जी गावे। आ वही भोलेनाथ गहमरी जी का रचना मोहम्मद खलील जी इहो गावे इलाहाबाद आकाशवाणी से। का गावे चाहिए छोटन को उत्पाद। अरे बेटा बेटा तू संत का बेटा है,
और संत कभी किसी की जान नहीं लेता है। आजकल के संत के बात में क्यों, आजकल तो जितना भटियारा संत हो तुम खाली अंडा रोल खाते हो। हाँ खाते हूँ, कहाए के संत लेकिन भीतरे भीतर कुल लीलत हूँ एकदम जोन बा अयास। आज जितना चोर डकैत बन इस साधु का लिवास पहन के अपन बचाव कर दो। एक बात और मैं बता दू, बुरा मत मानिएगा, सरकार चाहे किसी की भी हो, जब गुंडे बदमाशों को संरक्षक संरक्षण सरकार संत का देता है, हमेशा समाज को कुछ देता है, उपदेश देता है, ज्ञान देता है, नसीहत देता है, रास्ता बताता है। और तू उसे जान से मारने चला, हत्यारा बनेगा, छोड़ दे उसका काम उसके लिए, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए। आज्ञाकारी पुत्र शिवांश दुर्वासा वह बालक लौट आया, माँ अनुसुईया की गोद में आकर बैठ गया, माता पिता का दुलार प्यार मिलने लगा। धीरे धीरे दुर्वासा जवान हुए तो क्रोध के स्वरूप दुर्वासा जी जवान भइले, जाके बीचे बनवा में करत भजनिया, औरों मुनि की बेटी कंदली सयानी सुता, जिद्दी स्वभाव वाली रहल। जवान भैलन शिवांश दुर्वासा त माई बाबू से कहलन, हे माई हे बाबू, एगो संत का बेटा भैले के नाते हमरो फर्ज बनत बा कि एक प्रक्रिया के आगे हम बढ़ाएं। आप लोग अगर आदेश देता तो ये आश्रम छोड़ के हम अन्यत्र कहीं अपन कुटिया भाई आश्रम स्थापित करती, तपस्या करती, साधना करती और सिद्धि हासिल करती। मिल गए आज्ञा। माता पिता का आश्रम वो शिवांश दुर्वासा छोड़ दिया, दूसरी ओर जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। लेकिन अत्रि मुनि के ही समकालीन मुनि थे औरव मुनि। बात और जान ले, ग्रंथ उठाकर पढ़ लीजिएगा, इतिहास साक्षी है। गृहस्थ आश्रम के संत ही सर्वोपरि माने गए। केहू जंगल में जाके 100 वर्ष तपस्या कर ले आ सर्वोपरि बने तो वो केवल अपने लिए होता है, समाज के लिए नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम का संत समाज में रहता है, समाज को दिशा देता है। कबीर दास को देखिए, पारिवारिक संत थे। गुरु नानक जी को देखिए, पारिवारिक संत थे। सूरदास भक्ति में रमे जरूर, लेकिन अंत में उसे एक परिवार के ही शरण में जाना पड़ा, तब उन्हें सिद्धि मिली। बहुत सारी बातें हैं। तो औरव मुनि भी पारिवारिक संत थे। औरव मुनि के वो बेटी रह जौने का नाम रह कंदली, वो पता नहीं कैसे उस संत के परिवार में जन्म ले ले, एकदम मन ढीठ रह, जिद्दी रह, केहू के बात जल्दी सुने उन्हें ना, मुट्ठी में ना रहे हो, तोर वाली मुट्ठी में बा ना, अपनी वाली के तू मुट्ठी में रख ना, ई ओकरा मुट्ठी में बा ई। हां अच्छा अच्छा चलो ठीक बा, तोर वाली हमारा मुट्ठी में ई ओकरा मुट्ठी में बा, तू तू तोरा मुट्ठी में बा, वाह भाई वाह। तब कंदली जिद्दी लड़की थी, धीरे धीरे वो भी सयानी हो गई, इतनी जिद्दी कि आश्रम पर अगर कोई संत आता था दिमाग में बात आई तो अपमानित करने लगती थी। पूरा संत समाज में चर्चा बा कि औरव मुनि के बेटी कंदली इतना जिद्दी बा कि केहू के अपमानित कर देती। सयान भइल, आ जब सयान भइल शादी के लायक भइल तो यहाँ गीत का भाव देवे के पड़ल। ई गीत हमार स्वरचित गीत है, आई आजकल के समाज का रवैया देख के, नई नोचर दुल्हन का हालत देख के, स्थिति देख के ये गीत के हमके लिखे के पड़ा। कवन गीत है मास्टर?
अरे गंगा जी कम ऊंची
लगे कई जन हका समाज में हमके उठा ला। हमारी बेटी से ब्याह करवा दे के हो तैयार नहीं थे। शिवांश दुर्वासा जी कहला के देखा हम वो खानदान का बेटा है, संस्कार विहीन ना है और ग्रंथ भी उठा करके पढ़ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिएगा। इस धरती पर अगर सबसे पवित्र कोई वंश माना गया है, ग्रंथ में लिखित है, तो यदुवंश माना गया है। यदुवंश से पवित्र कोई वंश नहीं है। शिवांश दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं अत्रि मुनि और सती अनसुईया का बेटा हूं, संस्कार विहीन नहीं हूं। पहले तो मेरा पैर छोड़िए, हमारे बाप का उम्र कहो, आप पैर पकड़ के हमें शर्मिंदा करत हुआ छोड़ दलन पैर, कहे कि हमके उठा ला। कहने की देखा तुहरी बेटी का चर्चा तो चालू और हम तुहरी बेटी के रहन के बारे में जान चुका बाकी का कही है। जो पैर हमारे पकड़ला बाप के तमाम होई के, बाप के समान होई के हमारे पैर पकड़ला, यही पैर धैले कर लाज रखब, लेकिन एक शर्त पर ब्याह कर। कौन शर्त पर? आदरणीय आप महानुभाव, देखा तुहरी बेटी का 100 गलती माफ कर, 100 से एक को गलती अगर अधिका हो जाए तो समझ लिया कि हम श्राप दे के ओके भस्म कह दे जला दे, शर्त मंजूर हो खे तो बोला हम चले। सोच गए औरव मुनि कि एक तो धरती पर कोनो लड़का तैयार निखन सब, ये लड़को तैयार भई शर्त रखत बा, हे मन मरी आ चाहे जली, जी ही चाहे जली अपने कर्म से, पहले कपारे का बोझ हटावा। बहन बेटी का बोझ सबसे भारी होला, पहले बोझ हटावा, स्वीकार कर लो। अस्वीकार कैलन तो भाव टेरी में लगत बा, मांग में सिंदूर भर ली
दुल्हन बना के विदाई करो न लेके सीधे अपने आश्रम पर चल गए। माई बाबू के लग गए लेके ना गए कहा है ये नाते कि एक लेके जाई माई बाबू के आश्रम पर आई रहन खरा पट लेगा केहू के बात जल्दी माने लेना कहीं हमरे माई बाबू के अपमानित करी तो सौ गो के बात छोड़ दे कहू गलती हम बर्दाश्त ना कर ये कही बेर गलती कैले सहस्त्रा बाहु राजा तू तो बाबू जी के कृपा भय तो कर जान बचल नहीं तो खत्म कर दे ना इनकर हम बर्दाश्त कर ना चला जन हो तो हो कहल जला कि हरकल मान जला परकल ना मान अच्छा तू तो नहीं हरवे तो मन ढीठ जा रहा रहन का बाबू रह ससुरारी में आके कारु सुधर गई ना न सुधर शिवांश दुर्वासा जी कहे कुछ और तो सीधे वो काम करे उल्टा वो करे कुछ और तो यहाँ एक लाइन गीत लगत बा कवन गीत था मास्टर कलाकार लोग कहे कि बिल्कुल नया नया ना इनहू से पहले यहू से पहले शारदा सिन्हा जी यही लय का गीत बोले रही सुपर हिट की भोजपुरी का बोले रही Thank you.
क्षेत्र पैसा गलती तो क्षम में रह क्षमा कर दे बा एक गलती बढ़ल श्राप दे दे वही आश्रम में वही कुटिया में कंदली जल के राख हो गए बा दुर्वासा से बैठल हो राख है आश्रम में बा सोचत हो कि भाई जान के जहर हम खैली जानक तो रहबे कैली सब कुछ जान के केवल गोड़ धैले के मर्यादा रख ली भला भी भला रह तब हो बुरा रह ई रहते अपन पत्नी साला क्रोध बड़ा बाउर चीज बा अगर क्रोध ना आई तो हमें के कहे जलेती फिर सोचे लगा कि राख बा यही आश्रम में हमहू रह यही आश्रम में तपस्या भी हमारे विचलित हो सके राख देख के तेरे बारे में सोच सोच के तो हे मन जोन भई तो भई छोड़ा ये राख के यही आश्रम में चल दूसरी ओर चली तपस्या कर उसी आश्रम में राख दुल्हन की राख छोड़ करके और शिवांश दुर्वासा जी दूसरी ओर चल दिए दिमाग में बात आई कि क्रोध न आवे हम नम्रता के शासक बन जाए नम्रता मेरे दिल में आ जाए तपस्या करो किसकी तपस्या करो तो धर्मराज की बाबा नम्रता के देवता है धर्मराज धर्मराज की तपस्या करो और तपस्या करके नम्रता हासिल करो दूसरी ओर बढ़ गिलन शिवांशु दुर्वासा जी बाबा गीत बदलत बा चनिया
धर्मराज ये सतयुग है, दो युग में दो दो रूप में तुम्हें आना पड़ेगा, एक ही समय में, काल का अंतर नहीं होगा। सतयुग में भी दो रूप में तुमको आना पड़ेगा और एक युग का अंतराल देकर, यानी सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता बीत जाने के बाद अंतराल, एक युग का अंतराल देकर द्वापर में भी तुम्हें दो रूप में एक ही समय में आना पड़ेगा। लेकिन दो रूपों में अंतर क्या होगा? एक तन सुख भोगी दुख एक तनवा, अदर दर के ठोकर खैबा छोड़ के वतनवा, छेलबा दुसह दुख होई परेशानिया, डरला से डरिहेना हमारी बचनिया। एक शरीर से तुम्हें सुख मिले और दूसर के शरीर से तुम्हें दुख मिले। जौने समय संकट के घड़ी आई तो हर गद्दी तो से छीन जाए, छूट जाए, तो हर राज्य तो से छूट जाए, घर घर का ठोकर खेबा, धर्म राज्य के चेहरा पर मुस्कान बा, कलम के आपस रापू हमके शहर स्वीकार बा, धर्म राज्य अंतर ध्यान भी लो आ दुर्वासा जी श्राप दे के फिर वहां से अपन स्थान बदल गए भाई का। सतयुग में धर्मराज शिवांश दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप दो रूप में इस धरती पर एक ही समय में आए। एक रूप का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पड़ा और दूसरे रूप का नाम कल्लू डोम पड़ा, कहने के लिए डोम, लेकिन ये भी धर्मराज का रूप, वो भी धर्मराज का रूप, यही है कल्प भेद की कहानी। धर्मराज बिके तो धर्मराज के ही हाथ बिके, धर्मराज के ही घर बिके। काशी छूट गई, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, बड़ी बड़ी दुर्गति उनको झेलनी पड़ी। ये तो सत्ययुग की बात रही, लेकिन एक युग का अंतराल देकर फिर उन्हें दो रूप में आना था, यानी त्रेता के बाद द्वापर में आना था। होता है क्या, अल्हा बदल दा, काशी में गई
द्वापर में दो रूप में धर्मराज जी आए, एक रूप का नाम महात्मा विदुर पड़ा, तो दूसरे रूप का नाम युधिष्ठिर पड़ा, जिसे धर्मराज जी कहे जाता है। दरबार की ठोकरें खानी पड़ी, एक महात्मा विदुर का रूप शांति और सुख पूर्वक जीता, दूसरा रूप युधिष्ठिर का जिन्हें धर्मराज जी कहा गया, दरबार की ठोकरें खानी पड़ी, राजधानी छुटी, गद्दी छुटी, सब कुछ छूट गया, लेकिन द्वापर में वो आ गई, वो लड़कियाँ हो वो औरतिया जो ना के सिवान से दुर्वासा जी श्राप दे के जला के ले रहे, कंडली भी आ गई, कौने रूप में आई, जन्म लेती है कंदली, कहाँ बाबानंद के घर, यशोदा माँ के गर्भ से एकानंशा कहलाई, लेकिन यह मथुरा जेल में आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। वसुदेव जी वासुदेव को लेकर के गोकुल में पहुंच गए। वसुदेव माने कृष्ण के पिता, वासुदेव माने साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। गोकुल में पहुंचे, माँ यशोदा के यहां आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान कृष्ण को रख देते हैं बाबा नंद के घर में, और वहां जो कन्या जन्म ली थी कंदली, जो एकानंशा बनकर के जन्म ली थी, उसी एकानंशा कन्या को उठा करके जेल में लाते हैं। कंस को खबर मिली, कंस जाता है जेल में, बहन देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लेता है, एकानंशा को पत्थर पर पटकना चाहता है, तब तक से हाथ से छूट गई वो कन्या, आकाश में उड़ती हुई जा रही थी, आवाज दे रही थी कि अरे नीच कंस, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है, आवाज देती है, आकाश में उड़ती जा रही है और आवाज देती जा रही है, क्या आवाज दे रही है, पापी, अरे पापी काल तुहार नंद
आकाशवाणी होवे लगल आवाज आकाश से आवत बा। लेकिन वो समय शिवांश दुर्वासा जी कहाँ पहुंचल रहा, यह विंध्याचल की पहाड़ी पर ध्यान में लीन हुआ। ऊपर से आवाज आई तो एक अनुषा कन्या का ध्यान टूट गए, आंख खुल गई, ऊपर नजर घुमावलन तो भइल का टूटल ध्यान दुर्वासा जी के गईले तब पहचान हो। बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिला, अब नेक कर्म का परिणाम मिलने जा रहा है। ऊपर नजर कैलन आ वहां पर रहन दुर्वासा जी, अरे छोटी सी बच्ची है लेकिन इसका स्वरूप, इसका रूप बिल्कुल कंदली की तरह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंदली रूप बदल करके आई है मेरी तपस्या भंग करने के लिए। फिर ध्यान में डूबते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब असलियत का पता चला कि नहीं, जिस प्रभु को मैं रात दिन भजता हूं वो मथुरा जेल में अवतरित होकर के गोकुल पहुंच चुके हैं और वही मेरे मालिक की जीवन रक्षिका बन करके ये कंदली आई है। कल की जाए ये कंदली, पूर्व जन्म में खाली गलती पर गलती कही तो गलती के सजाए तो के मिल गई, श्राप दे के जलावे के पड़े। बाकी इस जन्म में इतना बढ़िया काम कर कि दुनिया का मालिक शरीर धारण करके धरती पर एलन और मालिक का रक्षिका बन के आ गई। हमारे मालिक का तू रक्षा कर लो, जाए आज के बाद से तू दुई रूप में ये धरती पर पूजा देगो। एक रूप का पूजा हर जाति के लोग करिहन, बाकी एक रूप का पूजा जौने यदुवंश कुल में तू जन्म ले ले हो, ये यदुवंश कुल के लोग करिहन, यादव बिरादरी के लोग करिहन। भाई का वह कंदली है कानन सा अष्टभुजा कहलाई हो। अष्टभुजा भवानी मिर्जापुर में हर बिरादरी के लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन दूसरा रूप जदवंशी कुल में जिसे पूजा जाता है वह रूप क्या है, वह कंदली है कानन सा अष्टभुजा कहलाई हो। और बन शक्ति बन पूजा खाली जेकर भैया कुंवर कन्हाई हो। दूसरा रूप नाम पड़ा बन शक्ति, जिसे कुछ लोग दुर्गा भी कहते हैं, कुछ लोग चंडी भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, वनशक्ति के रूप में पूजी जाती है। कराह वगैरह यह कराह बोले जला हमारे जो काशीदास बाबा का पूजा का कराह जो देने लोगों पंथी लोग पुजारी लोग उठकर पूजा कर रहे हैं। मंडप में भगवान कृष्ण का और उनकी बहन वो है वनशक्ति का, भाई बहन से खून का रिश्ता ना रहा, ये नाते खून का रिश्ता ना रहा कि जमुना माई यशोदा के गर्भ से एकानंसा जन्म ले ले रहा, कंदली एकानंसा बन के जन्म ले ले रहा, वो गर्भ से भगवान कृष्ण जन्म ना ले ले रहा। लेकिन वो माई का दूध पियलन भगवान कृष्ण, यही से ग्रंथ में प्रमाण मिलेगा कि भगवान कृष्ण आय अष्टभुजा भवानी ये भाई बहन लोग। तो मंडप में जब कराह के समय पूजा होला भाई बहन का पूजा होला, तब अरे कल्प भेद के लंथन में बयनवा मिले पापी काल, अरे कल्प भेद के लंथन में बयनवा भई पापी काल है नहीं ये भवनवा। Yeah.
Thank you.